साल 2007 के पहले T20 विश्व कप को भारत ने अपने नाम किया था। टीम युवा थी और कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। T20 विश्व कप शुरू होने से पहले सभी यही कह रहे थे कि भारत की टीम जल्द ही बाहर हो जाएगी, लेकिन सभी को चौंकाते हुए युवा भारतीय टीम ने टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया था। खैर, इस बात को 14 साल हो चुके हैं। उस समय के फैंस अपनी लाइफ में काफी आगे जा चुके हैं, साथ ही उस विश्व विजय के योद्धा आज के समय में क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या आप ये जानते हैं? कुछ को तो आप जानते होंगे, मसलन धोनी, सहवाग, गंभीर, उत्थप्पा, और जिन्हें आप नहीं जानते होंगे जिसमें जोगिंदर शर्मा, आरपी सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि विश्व विजय के सभी योद्धा आज क्या कर रहे हैं। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले बात धोनी की। धोनी के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि पूर्व कप्तान धोनी अब टीम इंडिया के मेंटर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें अभी 2021 का आईपीएल शामिल है। वीरेंद्र सहवाग, वीरू जी, वीरेंद्र सहवाग इसी नाम से फेमस हैं। बॉलर की धुनाई करने के बाद वीरू अब संन्यास का मजा ले रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स के साथ साथ ट्विटर पर छाए हुए हैं। पुरानी कहानियों के साथ कभी रुला देते हैं तो कभी मनोरंजन से दिल खुश कर देते हैं। गौतम गंभीर, टीम इंडिया के गौती भाई यानी गौतम गंभीर इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं और इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद भी हैं। रॉबिन उथप्पा की बात करें तो उथप्पा आज भी उसी तरह से बॉलरों की धुनाई करने में लगे हुए हैं। इसका उदाहरण ताजा है क्योंकि आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के हीरो बने हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। रोहित शर्मा ने 20 अक्टूबर को वार्म अप मैच में इंडिया की कप्तानी की थी। लिमिटेड ओवरों में टीम इंडिया के उप कप्तान हैं, साथ ही कप्तान के तौर पर आईपीएल में मुंबई को शिखर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये वाला सीजन मुंबई के लिए ठीक नहीं रहा। युवराज सिंह यानी सिक्सर किंग कुछ ही सीजन पहले तक आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन अभी सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेकर वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते नजर आए थे। दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में अंदर बाहर होते रहे। दिनेश कार्तिक को विकेट कीपिंग और फिनिशिंग के लिए जाना जाता है। अगर अभी की बात की जाए तो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं। इरफान पठान साहब 2007 T20 विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे, आज के समय में कमेंट्री में अपना नाम कमा रहे हैं। हरभजन सिंह आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि आईपीएल 2021 में ज्यादा खेले नहीं, इसके अलावा वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए आपको नजर आएंगे। यूसुफ पठान 2019 तक आईपीएल में थे, इससे संन्यास लेने के बाद वो अबुधाबी T10 लीग में मराठा अरेबियंस के लिए खेलेंगे। जोगिंदर शर्मा के T20 विश्व कप के आखिरी ओवर को कौन भूल सकता है, जिसमें मिसबाह को आउट करके भारत ने T20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। जोगिंदर शर्मा आजकल हरियाणा पुलिस के DSP हैं। आरपी सिंह इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं, मीडिया की माने तो अबुधाबी की T10 लीग में शामिल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्द ही नया वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। जाते जाते आपको याद दिला दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।